हेलो, माय नेम इज गीता एंड वेलकम बैक टू लर्न स्पैनिश बाय ट्रैवलो एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। अब स्पैनिश में क्या होता है कि कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साउंड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो आज हम वही करेंगे। फर्स्ट जो साउंड है हमारा वो है जे का। जे जो कॉन्सोनेंट है उसका जो साउंड आता है स्पैनिश में वो आता है ख। फॉर एग्जाम्पल मुखेर, मुखेर का मतलब होता है लेडी इन स्पैनिश। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो है सी। सी का जो साउंड होता है स्पैनिश में वो दो तरीके से होता है, जैसे कि अगर सी के बाद जो हमारा वॉवल है वो आ रहा है ए ओ या ऊ। अगर ए ओ और यू आ रहा है तो उसका साउंड आता है क। इनके हम एक एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि सी के बाद अगर ए आ रहा है तो हमारा वर्ड बनेगा कासा। कासा का जो मतलब होता है स्पैनिश में वो होता है हाउस। नाउ सेकंड जो वोवल है हमारा वो है ओ का। अगर सी के बाद ओ आता है तब भी हमारा साउंड जो है वो क आता है, जैसे कि कोमेर। कोमेर का मतलब होता है टू ईट इन स्पैनिश। थर्ड जो है हमारा वोवल वो है यू का। अगर सी के बाद यू आता है तो हमारा साउंड आता है क, जैसे कि क्वाड्रो। क्वाड्रो का मतलब होता है सीनरी इन स्पैनिश। तो ये हमारे तीन वॉवल्स हैं, अगर ये सी के बाद आते हैं तो हमारा साउंड बनता है क, जैसे कि कासा, कोमेर और क्वाड्रो। नाउ जो सेकंड साउंड है सी का वो होता है स। स तब आता है जब सी के बाद वॉवल जो है हमारा वो आता है आई या ई। हम इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल करते हैं। सी के बाद अगर आई आता है तो हमारा वर्ड बनता है सिंको, जैसे कि सिंको का जो मतलब होता है वो होता है फाइव। सी के बाद अगर ई आता है तो भी उसका साउंड बनता है स, जैसे कि सेरो। सेरो का जो मतलब होता है स्पैनिश में वो होता है ज़ीरो। जो थर्ड साउंड है हमारा स्पैनिश का वो है जी। जी के भी हमारे दो साउंड्स होते हैं। अगर जी के बाद ए ओ यू आता है तो उसका साउंड बनता है ग। इनके एग्जाम्पल्स करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर जी के बाद ए आ रहा है तो हमारा वर्ड बनेगा गफास। गफास का मतलब होता है ग्लासेस। जी के बाद अगर हमारा वोवल आता है ओ का तो हमारा साउंड बनता है ग, जैसे कि गोमा। गोमा का मतलब होता है इरेजर। थर्ड जो है अगर जी के बाद यू आ रहा है तो भी हमारा साउंड बनता है ग का, जैसे कि ग्वापा। ग्वापा का मतलब होता है प्रिटी इन स्पैनिश। जी का जो सेकंड साउंड होता है वो होता है ख। जैसे कि अगर जी के बाद हमारा जो वॉवल है वो आए और ई आता है तब उसका साउंड आता है ख। फॉर एग्जाम्पल अगर जी के बाद आए आ रहा है तो हमारा वर्ड आता है खिमनासियो। खिमनासियो का मतलब होता है जिम। और अगर जी के बाद ई आता है तब भी उसका साउंड आता है ख, जैसे कि खेंते। खेंते का जो मतलब होता है स्पैनिश में वो होता है पीपल। नाउ द फोर्थ साउंड, जो फोर्थ साउंड है वो है डबल कॉन्सोनेंट साउंड, डबल एल का साउंड। डबल एल का जो साउंड होता है स्पैनिश में वो होता है या। फॉर एग्जाम्पल यामार। यामार का जो मतलब होता है स्पैनिश में वो होता है टू कॉल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिफरेंट साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। एडियोस, हास्ता प्रॉन्टो।